प्रेजेंटेड बाय वीगार्ड। कोई जिले का एक अधिकारी जो कहेगा हमारे पास शिकायत ना है। 5 किलो मिलते थे एक बापे यूनिट पे, उस जगह पे 1 किलो गेहूँ मिल रहा है, 2 किलो चावल मिल रहे हैं, बायरा कर दिया 5 किलो। किसान बायरा खाएगा घर में? हम तो ये चाह रहे हैं, हमें न तो योजना की जरूरत है न विकास की जरूरत है, मगर जो चोर यहाँ से भग जाए ईवीएम तो डरवांगे, ये तो चोर है। अरे जेल जाओ, अरे हम जेल जावे तैयार है, अरे उठवा ले तो हमारी भैंस बोलेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा भोला डॉन। भोला डॉन रियल वाइफ है, जो ना तो कॉमेडी बना ली हुई। जाओ फ्रंट पे जब ले लो बोले चालू है। गांव कौन सा भी है? नागौर है। नागौर 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 नागौ पीछे वो आ रहा है नागौ नागौ। तो हम ऐसे ही घूम रहे हैं चुनाव में, आपको पता ही है लगातार, और घूमते घूमते पहुंच गए फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में हम आए तो अपना किसी गांव चलते हैं, तो पता चला बाबा नीम करौरी महाराज का गांव है। घूम रहे थे एकदम से खूब भीड़ दिखाई दी हमको, कि तो हमने कहा चले भाई देखें भीड़ क्यों इतनी लगी हुई है, क्या कोई जस्ट वगैरह चल रहा है? तो पता चला कि नपाई चल रही है। अब यहाँ की नपाई है भाई, आपको सब पता। क्या नाम है आपका? मेरा भोला डॉन। भोला डॉन क्या बात है, डॉन क्यों बोलते हैं आपको सर? चैनल है मेरा यूट्यूब पे भोला डॉन के नाम से। चैनल भी है आपको यूट्यूब पे? गजब। क्या वीडियो बनाते हैं उसमें? कॉमेडी बनाते हैं। कॉमेडी लोगों को हंसावे की। हंसावे की? जैसे कुछ हमको करके बताओ तो हम समझ में आए हमको, क्या करते हो आप? तुम बताओ क्या करवाओगे? हाजिर जवाबी है। मुंह में क्या चल रहा है? ये पान मसाला। पान मसाला। तो आपके क्या नाम है? भोला डॉन। कितनी उम्र है आपकी? 32 साल। 32 साल के हो आप? पके गए। अच्छा, जिनकी उम्र का वो कच्चे होते हैं, आप पक गए हो? नहीं, उम्र के साबत ही पकते हैं। शादी भी हो गई आपकी? कब हुई शादी? शादी 2019 में। 2019 में सब ठीक चल रहा है मामला? सब बढ़िया है। अब वीडियो दिखाई जरा अपने मोबाइल में, क्या क्या वीडियो बनाते हैं आप, क्या करते हैं? भोला डॉन का जलवा हम भी देखें जरा, अपने में देखें। ये देखो एक सब्सक्राइबर बढ़ाने की तैयारी है इनकी कि अपने मोबाइल खोलो देखो, एक व्यू भी बढ़ेगा और सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा। हैं चलो तो भाई भोले जी, ये पहले हम आपका खोलते हैं चैनल, तब तक हमको ये बताइए चल क्या रहा है, इतना ये मजमा काहे लगा, भीड़ काहे लगी हुई? चक्रोड़ की नपाई है रही है। चक्रोड़ की नपाई? क्या होता है चक्रोड़? चक्रोड़ ये होता है रास्ता लग रही है। रास्ता किस चीज के लिए रास्ता निकल रही है? ट्रैक्टर वगैरह के लिए, बांध के लिए, खेत में आवे जोतवे के लिए। अच्छा, तो पूरा गांव का इकट्ठा हो रखा है यहाँ पे? जब है रहो गांव तो हुआ, जब गांव नहीं लग रहे हो यहाँ पे और को लग रहे हो गांव नहीं। अच्छा, और जमीन सरकारी किसकी? किसी सरकारी क्यों, किसानन की है। किसान की है? हाँ। अच्छा, कितने लोगों की है? कितने लोगों की? जिनकी जमीन है मुआवजा आ रहा हो इनको, जिनकी जमीन है। अच्छा, मुआवजा मिलता है इसका? नहीं, पुराना चक्रोड़ है, कागजों में चक रोड है। हाँ। मगर चलती खेती किसानी है। और का? तो अब सरकार आ गई है कि यहाँ रोड निकलेगी है? चक रोड निकलेगी यहाँ? और का? अच्छा, तो गांव का रास्ता बनेगा अंदर जाने का? और अभी दिक्कत आती है? अभी दिक्कत ही आ रही है। अच्छा, तो नपाई पाई जो कर रहे हैं कौन है ये लोग? कौन है? लेखपाल साहब है। लेखपाल साहब है? लेखपाल साल में कितना बड़ा बड़ा जलवा होता है, ऐसा है क्या? पूछ के देख लो, पूछ के देख लो, पूछ के देख लो। हमने बड़ा सुना भाई कि आदमी डीएम बन जाए उतना जलवा नहीं जितना लेखपाल का है ऐसा है क्यों? ठीक ठीक, भोला डॉन बताओ यार, ऐसा है? सही बात है, जब इतने आदमी सब सिलेंडर है मैंने कमाए, जलवाना है तो कहाँ है। अच्छा, क्या करते हैं लेखपाल लोग? क्या करते हैं लेखपाल लोग? खेती के मामले में नपाई भपाई करता है, जमीन जायदाद तक वैसी। अच्छा, और वो जो कमीशनबाजी चलती वो भी चलती है? ना जो नहीं है। अब देखो भोला डॉन निकले धीमे से, अंदर की बात पूछ ली ना, पूरा सब ठीक चल रहा है ईमानदारी, पूरा सही है ईमानदारी से। पहले तो हम भोला डॉन का अपना चैनल देखें भाई, खोल के क्या है मामला इनका, क्योंकि भोला डॉन कह रहे हैं देखो पहले खोल के, इसे हमने बताएंगे क्या करते हैं हम। भोला डॉन है आ गया भाई, भोला डॉन की कॉमेडी भी लिख के आ रही है। अच्छा, भोला की उस्तादी ये शादी का है आपके? और का है? हाँ। अच्छा, रियल वाइफ है, जो ना तो कॉमेडी बना ली हुई।
रियल वाइफ है। हमने कब कहा नकली है यार, तुम सोचो का कॉमेडी बना ली हो। नहीं नहीं, ये पाप हम नहीं करेंगे भैया, ये पाप हम नहीं करेंगे। 2019 में शादी हुई थी। अरे यार, आपकी शादी की वीडियो 2 मिलियन लोगों ने देखा है। और क्या है, जलवा है पो। एक बार साहब को जलवा है तो जलवा मारो हुए की बात। पूरे गांव में जलवा, जलवा ने देश में जलवा है। 30,000 सब्सक्राइबर, मोबाइल फोन आ रहा, देखो भोला डॉन के पास भोला डॉन का फोन आ रहा है। भोला डॉन के घर से आ रहा लेडी डॉन का फोन आ रहा, समझ गए। ठीक बात है। तो भैया ये नपाई पाई जो हो रही है, पुलिस उलिस कहा जाए तो झगड़ा चल रहा है गाँव में? नहीं, झगड़ा कोई नहीं है, साथ में आते हैं, कोई झगड़ा ना करें। अच्छा, सब शांति। क्या नाम है आपका? रिंकू यादव। रिंकू यादव, तो रिंकू जी, गाँव में कैसा माहौल है, क्या इस बार चुनाव चल रहा है, क्या मुद्दे हैं चुनाव में, क्या करते हैं आप? मैं तो ड्यूटी करता हूँ कारखाने में। कारखाने में क्या काम करते हैं भाई? मजूरी। मजूरी क्या मतलब, मजदूर किस चीज में, किस क्षेत्र में? बोतल वगैरह बनती है कांच में। बोतल वाला, हाँ ये सुना है, नया उद्योग यहाँ फिरोजाबाद में शुरू हो गया है कि कांच की बोतलें, कांच का ग्लास, अभी तक कांच की चूड़ियां ही मशहूर थी। और अब सब चीज मशहूर है। अब सब चीज मशहूर, और क्या क्या मशहूर है? सब चीज है उसमें, कप है, जार है, कंटर वगैरह सब चीज है। अच्छा, तो कैसा चल रहा है काम धाम? सही चल रहा है। जैसे अभी हम घूम रहे थे एक कांच की फैक्ट्री में, एक चूड़ी की फैक्ट्री में गए, तो वहाँ हमने बाहर मजदूरों से बातचीत की, तो वो शिकायत कर रहे थे कि काम के घंटे ज्यादा हैं और मजदूरी कम मिलती है। ये बात सही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे मेहनत ज्यादा लेते हैं, पैसे कम देते हैं, छुट्टी भी कोई नहीं मिलती। छुट्टी यार, ये बहुत बड़ी समस्या है, छुट्टी तो मिलनी चाहिए हर शहर में। हैं, क्या नाम है? हर शहर में छुट्टी मिलती है। क्या नाम है? कृष्ण गोपाल। कृष्ण गोपाल, तो आप क्या करते हैं? फिरोजाबाद में काम करते हैं, कांच की फैक्ट्री में। हाँ, छुट्टी एक भी दिन नहीं मिलती? कभी नहीं मिलती है। अच्छा, छुट्टी नहीं मिलने का मतलब ये कि छुट्टी अगर लो तो पैसा नहीं मिलता उस दिन का? नहीं मिलता है। यहाँ छुट्टी दोगे अगर जैसे हम कर लेंगे अपने आप, तो पैसा नहीं देंगे। मतलब छुट्टी मानो ले लो, पैसा नहीं देंगे। हैं, सरकारी छुट्टी है, 30 दिन जाएंगे तो 30 दिन का पैसा मिलेगा। अच्छा, जितने दिन काम उतने दिन का पैसा, छुट्टी लो तो अपना जानो। पैसे तो आप लोग कभी जाके, यहाँ यूनियन नहीं होता आप लोगों का कुछ? इतना बड़ा उद्योग है, इतने सारे लोग आप इस काम से जुड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई ना होती है, सुनती नहीं। क्या कह रहे हो? लेबर कोर्ट हमारी बातों को सुनती नहीं। अच्छा, गए कभी आप लोग? हम गए एक बार, एक बार फिरोजाबाद में हड़ताल भी हुई। अच्छा, और हड़ताल होने के बाद हम लोग गए, पर वही बात है, जा लाखों रुपया ताकि सुनवाई। अच्छा, गरीब आम आदमी सुन कौन रहा है? तो माँ हम लोगों को अंदर तो जाने नहीं देते। अधिकारी लोग हैं जो बैठे हैं, जो उद्योगपति हैं वो अंदर बैठे हैं, उनने अपना फैसला कर दिया। हाँ साहब, तुम्हारे 20 रुपये 5 रुपये बढ़ गए, मतलब वो भी 5 साल बाद। मतलब कंटिन्यू ये नहीं है कि साल भर बाद पैसा बढ़ना चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। 5 साल में कितने रुपए बढ़े हैं? 20 रुपए 20 रुपए मतलब कि जैसे पहले 400 मिलते थे तो 420 हो गया। अच्छी बताओ आप, जैसे एक मजदूर की आज की कीमत नॉर्मल 200-250 के लपेट में, अब 200-250 रुपए वो घर ला रहा है, ठीक है ना? उसमें नहीं, सुनो 250 रुपए में वो आटे की अगर 10 किलो की या 5 किलो की लेके आए तो कितने का आएगा, आप भी बताओ नॉर्मल बात। ठीक है, साग सब्जी, घर का बच्चे की पढ़ाई लिखाई कर लेगा वो, तो फिरोजाबाद की, फिरोजाबाद का जो सिस्टम है वो 250 रुपए तो स्टार्ट है, जो वर्कर कुछ नहीं जानता उसका। अब 250 रुपए में क्या कर ले? ये रेल की पटरियों से लोग मर रहे हैं, ट्रकों से क्यों मर रहे हैं? क्या उसकी इनकम के हिसाब से 250 रुपए और खर्चा बच्चों के हिसाब से 500 रुपए, तो क्या करेगा? कर्जा कितना लेगा बाहर से? नॉर्मल आते ही तो ना, कितना लेगा और कहाँ तक लेगा, तो उसको क्या दिखेगा फिर? इससे बढ़िया मैं मर जाऊंगा। बढ़िया नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं, ये मत बोलिए। नहीं, कहाँ से पटाएगा वो, ये भी तो मुझे बताओ आप। तो गांव में क्या आप लोगों के जान पहचान में ऐसे केस हुए हैं क्या? किसी ने मेरा नाम कोमल सिंह जी, कितने केस हुए बताइए? कम से कम 10-20 केस हुए हैं। 10-20 जो कि भारतीय जनता पार्टी की देन है जी। क्यों ऐसा मजदूरी कम है, महंगाई ज्यादा है और मेहनत ज्यादा है। अगर वो 20 रुपए 5 साल में बढ़ाएंगे तो 5 घंटा एक्स्ट्रा मजदूरी हमारे ऊपर ज्यादा लेंगे। मैं भी इंचार्ज ही करता हूं ऐसे। जैसे बहुत लोग शहर में हम बात करते हैं महंगाई की, तो लोग कह देते हैं कि भाई महंगाई बढ़ी है तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। आप लोग की बढ़ी है? हमारी आमदनी नहीं, कलेश बढ़ी है। होता है आप भी बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता, पहले इनको बोल लेते फिर आपके पास आ जाऊंगा जी। बताइए, महंगाई बढ़ी है ताते ज्यादा कलेश बढ़ी है। कैसे कैसे? भारतीय जनता पार्टी रही तो शायद कहता है वो ऊपर बैठा है मोदी,
कि हम गरीब मिटा देंगे, वो गरीब ही नहीं मिटाएगा, गरीब को मिटेगा वो, वो गरीब को ही खत्म कर देगा। और मोदी जी तो कहते हैं कि भाई हम बहुत सरकार के योजनाएं चला रहे हैं गरीबों के लिए, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं राशन बांट रहे हैं, वो 2.5 किलो चावल दे रहा है और 2.5 लाख का हम पे वसूल रहा है। कैसे है? कैसे? वो अपनी एक बताया कि हमने जनता के मामले में एक चीज का हमने विकास करो है और हम बाकी 100 कमी बताएंगे। नहीं, मोदी जी कहते हैं जैसे कि हम किसान, वो झूठा है बड़ा, जो जिन जा पार्टी में भारतीय जनता पार्टी जो जितना बड़ा नेता है इतना ही बड़ा झूठा है और इतना ही बड़ा चोर है। अच्छा हाँ, अब हमको उत्तर भारत में सरकार सिर्फ गठबंधन चाहिए, बाकी कोई नहीं। अच्छा, गठबंधन माने अखिलेश यादव हाँ, और राहुल गांधी हाँ, अच्छा, उससे क्या होगा वो लोग करेंगे? वो हमारा जो करे हमें जिनते विकास ना करानो, मगर हमारा विनाश तो नहीं होगा। अच्छा हाँ, अगर जे जो कहता है कि हम बिजली का बिल माफ कर रहे हैं, इनका सिंचाई विभाग हम बिजली का बिल माफ कर रहे हैं, तो बिजली का बिल का सब हम आदमी को माफ कर रहे हैं? एक एक आदमी डेढ़ डेढ़ घरेलू कनेक्शन का बिल है, वो क्या करें? सांझ को रोटी की व्यवस्था ना 1.5 लाख रुपए कहाँ से भरे? विधायक बेचेगा हुए? आप भी बताओ, जो समर का बिल माफ हो चुका है, किसका? समर का टेबुल का बिल माफ हो चुका है। अच्छा, फिर टेबुल वाले पैसे क्यों ले रहे हैं किसान वालों पैसे? 200 रुपए घंटे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? जब ऊपर से बिल माफ हुआ है तो किसान के लिए भी ये होना चाहिए ना, का कुछ थोड़ा बहुत तो कम होना चाहिए, इन्होंने 50 रुपए बढ़ा हो दिया। अच्छा, तो जैसे ये क्षेत्र की शिकायतें आप लोग बता रहे हैं, तो इसमें फिर आप लोग वोट भी देते होंगे, नेता भी चुनते होंगे अपने, तो ये लोग वोट मांगने भी आते होंगे, गांव में घूमते भी होंगे, तो उनसे नहीं कहते हैं कि भाई हमारी समस्या? हमने लिखित में इतनी शिकायत दी है, कोई जिले का एक अधिकारी जो कहे हमारे पास शिकायत ना है, बाकी हम पे कॉपी बनी हुई धरी है हर शिकायत और हर अधिकारी के लिए, जिले पे हर हर आदमी के लिए जिले क्या, में क्या बोलते हैं अधिकारी? अधिकारी हाँ कर देंगे, मगर करे भाई कहा, ये झूठा है, ये तो झूठ बोले वाले हैं। तुम सोच रहे हो कि वोट वोट, हमें तो इनमें जूतों मारे शर्म लगे, इनमें जूतों नहीं मारेंगे हम, जो ये झूठा है, बात सही है, कोई गलत नहीं, हमें इनसे जिला लेना है कि हमारी बिल्डिंग बना जाए। मगर ये हमारी भाषा सुने कि हमारे हमने पब्लिक में क्या विकास करा हुआ और क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारी करतूती है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि भाई उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया, राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं किसानों को, 4 किलो बाजरा और 4 किलो गेहूं, हमारी जमीन है अंगूठा लगवा रहे हैं, हमारी हमारा बैनामा रख रहे हैं। अच्छा, किसने रख लिया है? अरे 2.5 लाख रुपए किसको दिया इसने? 2.5 लाख जिस पब्लिक को दिया 2.5 लाख रुपए उसके यहाँ बैनामा रखा है। अच्छा, अगर हमको 2.5 लाख रुपए देता तो हमारा बैनामा क्या जरूरत थी? आधार कार्ड पे दे दो। जब पहले गेहूँ 5 किलो मिलते थे एक बापे यूनिट पे, उस जगह पे 1 किलो गेहूँ मिल रहा है, 2 किलो चावल मिल रहे हैं, बायरा कर दिया 5 किलो, बताओ किसान बायरा खाएगा घर में? आप ही बताओ, ये बंद कर दो। अच्छा मोदी या जो बाबा योगी कितना बाजरा खा रहे हैं रोज, ये पहले अपन ही बताए जे कितना बाजरा खा रहे हैं, कितनी मक्का खा रहे हैं जी, अपन ही तोल बताएं जी, हम महीना में हफ्ता में या पर डे कितना बाजरा खा रहे हैं जी। अच्छा, जे आदमी है और सब पशु है पूरी पब्लिक, जे आदमी है इनको जी खुद की शर्म ना आने के पब्लिक हम बाजरा बटवा रहे हैं। अच्छा चामरा बटवा रहे हैं, कहा हमको बिहारिया समझ रहे, 2.5 किलो चावल तक किनको परिवार एक महीना खा लियो भाई, मोदी बता टट्टी आ जाएंगी, सुई मच जाएगा, बताओ जे चावल कितने खा रहे हैं अपन? तो क्या होना, क्या चाहिए आप लोग के लिए, क्या क्या चीजें हों, क्या योजनाएं आए जो आप लोग खुश रहे संतुष्ट रहे? हम तो ये चाह रहे हैं, हमें न तो योजना की जरूरत है न विकास की जरूरत है, मगर जो चोर यहाँ से भग जाए, जे भारत तो चोर बच जाए। और मोदी जी तो कहते हैं जो पहले कांग्रेस सरकार थी उसमें कितना भ्रष्टाचार था, तभी आप लोगों ने चुना होगा ना नरेंद्र मोदी ने, वो बेईमानी मशीन ने चुना है। अच्छा, वो बेईमानी मशीन ईवीएम मशीन को कहते हैं? हाँ, ईवीएम बेईमानी होती है उसमें। हाँ, जिनकी औखाद मालूम पड़ जाए बैलेट पेपर तक चुनाव करा ले, इनकी औखाद मालूम पड़ जाएगी कि बैलेट पेपर तक चुनाव करा ले बस। अच्छा हाँ, क्या इनकी कितनी औखाद, कितनी भारत में सीटें लेके आएंगे जी? अच्छा हाँ, तो जहाँ मान लो सब ईवीएम से तो सब जगह चुनाव होते हैं। हाँ, है अभी तेलंगाना कांग्रेस जीती ना, जा आदमी ने ईवीएम बनाई, जा प्रदेश ने ईवीएम बनाई, माँ बैलेट पेपर तो चुना है, माँ ईवीएम तो चुना है चुनाव, कहाँ पर जहाँ से बन के आ रही है जी, यहाँ बनी है देश में, कहाँ से देश में? देश तो बहुत बड़ा है, पहले प्रांत बताओ,
देश तो बहुत बड़ा है। आप कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव, नहीं हम कह रहे हैं ईवीएम, आप लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, मगर ईवीएम से कई जगह विपक्ष की सरकारें भी तो बनती है ना। नहीं नहीं नहीं, तेलंगाना भी बनी कांग्रेस की सरकार ना, 2018 में तीन सरकारें बनी थी ना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती थी ना, तो वहां फिर कैसे ईवीएम चल गई? इनकी मैं पेश नहीं जाती, मैं चल जाते जब पेश नहीं जाती, अब की बार हमें वोट ना डालना। क्यों नहीं डालना? नहीं ईवीएम तो डरवांगे, ये तो चोर है, ज्यादा मत बोलो। अरे भाई चलेंगे जो जेल जाओ, अरे हम जेल जावे तैयार है, अरे उठवा ले तो हमारी ब्याह से बोलेंगे जे छूट के आएंगे, छूट के जाते ना आएंगे तब ना फिर हम क्या करेंगे, छूट के तो आएंगे हम, आखिर सब जिंदगी तो रंगे नहीं। अब जैसे कि यहाँ जो सांसद हैं चंद्रसेन जादौन, उनका काम कैसा रहा वो क्षेत्र में कभी आए? अब एक ही आदमी मत बोलो, और लोग बताओ क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि कपूर है। शशि कपूर? शशि कपूर, हीरो वाला नाम है, खुद रख लिए घर वाले रखे हैं? नहीं घर वालों ने रखा था। क्या करते हैं? मैं शटरिंग का काम करता हूँ। शटरिंग? और घर बनाने के लिए लगता है। चंद्रसेन जादौन भाई, तो बीड़ी सब लोग कैमरे सामने मत पियो, बहुत प्रचार कर रहे हो आप लोग, मत करो। हाँ तो चंद्रसेन जादौन का नाम सुना सांसद आपके? नहीं मैंने नहीं, मैंने इतनी नॉलेज नहीं है मेरे। अच्छा तो चुनाव चल रहा है पता है? हाँ चुनाव चल रहा है। प्रत्याशी कौन कौन है पता है आपको? नहीं इतनी नॉलेज नहीं है मेरे। तो क्या देख कर वोट देते हो फिर? वोट तो हम तो ऐसे ही सब लोग देते हैं, ऐसे ही हम लोग दे देते हैं। अच्छा आंखें बंद करके डाल, और क्या आंखें बंद करके? कुछ मुद्दा होता है, नाम होता है, क्या होता है, कैसे तय करते हैं? विधायक को अभी तक यही ना मालूम। अब जब आप लोग को यही नहीं मालूम होगा तो फिर गड़बड़ होगी ना, पता रखना चाहिए ना कौन विधायक है। आई नहीं है तो पता क्या चलेगा। अच्छा हाँ सांसद जी, कभी नहीं किसी ने देखा हो तो बता दे कोई। अच्छा हाँ हमें किसी ने बताया कि यहाँ इस गांव में यादव आबादी ज्यादा, ऐसा है? नहीं नहीं एससी आबादी ज्यादा है। अच्छा तो वोट किसको ज्यादा जाता है फिर? ज्यादा वोट किसको जाता है? वोट ज्यादातर जो भाजपा को हराता है उसे। अच्छा भाजपा को जो हराता है, भाजपा को जो हराएगा वो हमारा वोट लेगा। अच्छा हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जैसे मायावती, वो कैसी नेता लगती हैं आपको? मायावती बढ़िया हैं, मगर मायावती का प्रत्याशी क्षेत्र में अगर भाजपा को हराएगा तो हम मायावती को देंगे। अच्छा चौधरी बशीर हैं। हाँ और जो प्रत्याशी हैं? हाँ बे कैसे प्रत्याशी हैं? हमें प्रत्याशी तो कोई मतलब ना है, बिल्कुल खराब हो, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी उसे हम वोट देंगे। अच्छा सब लोग यही सोचते हैं? यही सोच रहे हैं सब लोग, यही सोचते हैं। अक्षय यादव क्या मामला चल रहा है? अक्षय यादव का? अक्षय यादव बेशक आज जाए चुनाव, मगर वोट अक्षय यादव को देंगे। गठबंधन वोट दे रहे हैं हम, अच्छा गुना दे रहे हम गठबंधन को वोट दे रहे हैं और देंगे हम। हमारा काम कभी नहीं हुए, हमें कोई विकास की जरूरत ना है, मगर हमें गठबंधन को वोट देना। अच्छा गठबंधन एक लकड़ी को खड़ी कर देगा, हम लकड़ी को वोट देंगे। अच्छा हाँ सब लोग यही सोचते हैं? सब लोग हैं। ठीक बात है। उसका कारण समझो क्या बताइए? प्रत्याशी किस प्रकार से इस सरकार से दुखी है तभी तो ये बात बोल रहे हैं। नहीं क्यों बोलते ये, इन्हें क्या जरूरत है, क्या लालच है इन लोगों को? कोई लालच तो है नहीं, समय के अनुसार लालच है। पर सबसे ज़्यादा समस्या आ जाएगा फिरोजाबाद में जितने बनिया हैं, ठीक है ना, वो मेहनत तो करवा रहे हैं बंदों पर उसके हिसाब से वेतन। अब एक मान लो एक बंदे पर चार बालक हैं या तीन बालक हैं तो 250 रुपये में गुजर नहीं हो पाएगी। सबसे पहले सरकार फिरोजाबाद के जो बनिया लोग हैं उनको दे गए, उस हिसाब से रेट बढ़वाए। नेता सभी बन जाते हैं पर आज तक किसी ने, चाहे मायावती हो चाहे मुलायम सिंह हो या ये है, किसी ने देखा नहीं। अब मान लो ऐसी गर्मी में बाजरा आप खा लोगे और गर्मी में बाजरा क्या हुआ? एक दिन रोटी करा खा रहे हो, दस्ता लेके मैं कहता नहीं बैठा रहे, गरीब तो वैसे ही मरेगा। गांव में और व्यवस्थाएं कैसी हैं? स्कूल, जो स्कूल है बताएंगे। एक यहाँ ऐसी बस्ती में पानी की टीटीएस टंकी रखी गई है और 2 साल पहले फट चुकी है शायद। तुम बाइट ले रहे मेरी तो मैं टंकी की बाइट ले एक बार। सरकार में हमने मैंने अपने हाथों से स्वयं कितनी शिकायत दी है, आज तक टंकी की कोई व्यवस्था ना कर सरकार के पास। पैसा ना है, पैसा ना है तो मने कर देगा हम पे, पैसा ना है। पूरे गांव में क्या टंकी है? एक टंकी है टीटीएस टंकी, एक बड़ी पानी टंकी है जो कि आज तक काऊ मुंह धोए पानी ना आए, पीवे तो बहुत अलग चीज है। पानी ऐसा आता कैसे आप लोगों को है? जमीन तक तुम्हारे यहाँ व्यवस्था, तुम्हारे यहाँ तो भर के लाएंगे, तुम्हारे यहाँ संभल लगी है, तुम सक्षम है?
किसी के यहाँ नल है उसमें से लेके आते हैं, सरकारी नल कोई है ही नहीं है, इनके यहाँ पे समर लगी वहां से लेके आते, फिर वहाँ पे पैसे देते हैं महीनादारी, उससे पैसे लेते हैं, अपना करते हैं, अपना करते हैं। एक हमारा कहने का मतलब ये है कि तुम एक टीटीएस टंकी है थोड़ी, एक बाकी एक बार भाई टोल ले लें, और कितनी शिकायत है वो लिखित में शिकायत रखी है टीटीएस टंकी की, क्या है और स्कूल और यहाँ स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं, मान लो किसी कोई दवा सी एस सी पी एस सी है गाँव में, क्या कह रहे हैं भाऊ जी? स्वास्थ्य की कोई समस्या नहीं है, उसाइनी जाते हैं लेने के लिए। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, तो वहाँ दवाइयाँ इलाज सब मिलता है? मिल तो होगा मगर कोई ना जाते, एंटीबायोटिक दवाई सब मर्जन को एक ही है, सही है या मत जाओ या सही कहो तुम्हारा क्रम है। मैं होली से एक महीने से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल के? एसएन हॉस्पिटल के, एक महीने से कम से कम 28 जांचें हो चुकी हैं। अच्छा, हाँ, ऑपरेशन के चक्कर में आज भी गया हूँ, ये भी मेरे साथ लेके गया था मैं इन लोगों को भी, और आज गया तो दूसरी जगह बीपी ना पाया, नॉर्मल बता रहे हैं कि हाँ तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा, रसौली का जो होता है, और जब डॉक्टर जो डॉक्टर ने ऑपरेशन करती है उसके पास गए उसने बीपी भी नापा कि आपका बीपी हाई है, तीन बार वापस हुआ प्रेसिडेंट जो होता है, तीन बार मैं लेके रोजाना जाता हूँ, रोजाना आता हूँ, आज मैं आती होकर के मैंने कि जो कह जो होगा वो ऊपर वाले के भरोसे में छोड़ा, पैसा होता है इसके पास क्योंकि प्राइवेट ही करा लेता, क्यों आप कह रहे हैं अस्पताल वाले चक्कर लगवा रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे, इलाज नहीं हो रहा एक महीने से बराबर चक्कर काट रहा हूँ, मजदूर छोड़ रहा हूँ, किराया भाड़ा रोजाना दिक्कत है आपको, मेरी घरवाली को रसौली के एक महीने से डेली भाग रहा हूँ, इतनी रिपोर्टें हो गई हैं, 28 रिपोर्टें हो चुकी हैं जाँचें, डेली दो चार डेली लिख लेंगे, इतना पैसा है नहीं, पैसा प्राइवेट करा लें, और सरकारी काम हो रहा नहीं, होने है ना पा रहा इनको, हमारे पास वो मोदी वाला जो कार्ड होता है वो भी नहीं है, आयुष्मान कार्ड बना आप लोगों का? आयुष्मान कार्ड है इनके पास, बहरहाल ना है मतलब है, उनको कोई हॉस्पिटल में मान्य ना कर सके, वो बोल देता कि हाँ तुम्हारा इलाज होगा, कि हम तुम्हारी जांच कराएंगे, वो कराएंगे, मगर कराएंगे कछु नहीं, या तो शायद ऊपर वाले अपने आप अपने पास ही बुला लिया, लौटे आएंगे, चक्कर काटते काटते लौटे आते, इलाज कुछ नहीं होता है, सरकारी अस्पताल में नहीं होता, प्राइवेट में जाना पड़ता है, फिर उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, ऐसा वो तो मजबूरी में जाना पड़ता है, भाई साहब मेरा इंसान है तो मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, ऐसे में आयुष्मान कार्ड बना रखा है, उसमें सरकार बच्चे का भर के सरकार से पैसे ले लेते हैं, और गरीब आदमी का कोई नहीं, मर जाए तो मर जाए, मेरे 5 लाख से मतलब है बस। 26 तारीख से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, पिछले महीने में जो होली के 24 तारीख की होली थी, और मैं 26 तारीख से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हूँ। अब बच्चों के स्कूल वगैरह यहाँ पर कौन सा है, प्राथमिक विद्यालय वगैरह है कि हाई स्कूल वाला है कि 12th वाला, कौन सा इंटर कॉलेज है, कौन क्या है? ये आयुष्मान कार्ड मेरा है, आयुष्मान कार्ड, लेकिन इसका कोई इलाज कुछ नहीं होता है। कभी गए आप किसी, कभी इस्तेमाल गया? मेरे पत्री ये रवि यूनिटी हॉस्पिटल में गया था, प्राइवेट अस्पताल में नहीं, हाँ प्राइवेट। क्या बोले वो लोग? वो ये बोले थे कि आप ऑपरेशन करवाओ तो पैसे लगेंगे। आपने कहा नहीं हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे। क्या बोले वो? ये बोले कि ये मान्य या नहीं है, मान्य नहीं है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में चलता, प्राइवेट में नहीं चलता? ये सरकार तो दावा कर रही है प्राइवेट में भी चलना चाहिए, पर चलता नहीं है। हम भी तो ले गए थे अपने पापा को, ये ट्रॉमा सेंटर, क्या हुआ उसमें देखते देखते शाम हो गई, और फिर शाम को भजा दिया, कुछ नहीं हुआ वहाँ पर, फिर क्या किया? और फिर सरकारी में ले गए, वहाँ पर भी डाल रहे, पर वहाँ भी नहीं दिया, फिर वो अंत ले गई, वहाँ पर बोतले थोड़ी बहुत लगवाई, फिर नेक आराम मिला, कुछ नहीं है। कार्ड भी बनी है लेकिन नाम के कोई काम का नहीं है, नाम के काम के नहीं है। तो जैसे अब चुनाव चल रहा है और केंद्र का चुनाव है, जो जीतेगा सांसद बनेगा, सांसद चुनेंगे सब मिलके प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री देश का बनेगा, वो देश चलाएगा, देश चलाने के लिए कौन ठीक लगता है आप लोगों को? हमको गठबंधन। गठबंधन, अच्छा, नरेंद्र मोदी नहीं चला? नहीं नहीं नहीं, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? हाँ, दो में से एक ही। दो में से एक ही, हाँ। अच्छा, इनसे क्यों उम्मीद लगती है? इनसे जे युवा है, ये भारत के आदमी है, जो मोदी जी तो विदेश घूम पाए ने, बस ये इसी का आदमी तो भी देश के ही ना, देश के पर है तो विदेशी, मौत तो विदेशी लगी है, बाहर जाके कि कौन कितनी बेईमानी हमको सिखाएगा, और हम कैसे, हमको बेईमानी करनी है कैसे, लूट करनी है, जे चीज सीख के आते हैं बाकी यहाँ यूज करते हैं मोदी। अच्छा,
ये तो घटना तारे भाई हैं, जैसा रहो सरकार बनेगी नहीं तो ये घटना उतार देंगे गरीब आदमी को, ये जो कहते हैं गरीब बैठा देंगे, गरीबी नहीं उठा देंगे, गरीबी उठा देंगे ये। हाँ थोड़ी हमारी टीटीएस टंकी की और ने बाट ले लीजिए साहब, बता दिया आप लोगों ने ना, बता नहीं दिया उसका फोटो तो देखो, फोटो ले लेंगे ठीक है। तो भाई क्या नाम बताया था गांव का? नागौ। नागौ में हम थे और इस गांव की एक पहचान ये भी है कि नीम करौरी बाबा का ये जन्म स्थल ही है गाँव। बाबा नीम करौरी का जन्म स्थल ही है, बाबा नीम करौरी तो दुनिया जानते है, मगर अब कुछ दिन पहले बाबा नीम करौरी ये भंडारा हुए, चार लोगों की मौत है भाई, का आज तक मीडिया सोए गई क्या, भारतीय जनता पार्टी के नेता सोए गए, कहाँ गए वे लोग, चार मौत है भाई भीड़ में, आज तक उनकी कोई समस्या करी गई? आज की तारीख में जनता की जो मांग है कि यहाँ भंडारा होना नहीं चाहिए, अच्छा ये भंडारा भी यहाँ मौतें कराने का कारण है। तो गांव के लोगों का आपने पक्ष सुना, सरकार को लेकर तमाम उनकी शिकायतें हैं, तमाम योजनाओं को लेकर, जो भी आपका पक्ष हो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी हमारी चुनावी जो यात्रा है, कौन जीत रहा है उसको देखते रहिए। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज हैं, शुक्रिया। चलो